मैम आप और बताइए कि आपका काव्य पाठ में और क्या-क्या क्षेत्र है, किन-किन विषयों पर आप लिखती विषय मेरे ज्यादातर आसपास जो भी मैं देखती हूँ घटनाएं, जी? चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, दिल को छुए, उसी को मैं लिख देती हूँ। जी, मैं भी अक्सर कहा करता हूं कि हजारों लफ्जों के दीवान कौन पढ़ता है, कोई दिल को छूती बात हो तो कह जाओ। तो आप अपनी वो कविताएं जो सीधे हमारे श्रोताओं के दिल में उतर जाएं, उनके बारे में बात करिए। मैं थोड़ा सा रिजर्व भी हूँ, कई बार मैं सोचती हूँ कि अपने काम पे फोकस किया जाए तो मैं इधर उधर देखती नहीं, जी तो इसमें लोगों को लगता है कि शायद मैं घमंडी हूँ या जी ऐसा। जी होता है और ऐसा। एक ये होता है कि मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, बचपन से हम लोगों के टाइम में सिखाया गया था। मेरे फादर डिफेंस से ताल्लुकात रखते थे, आर्मी मेडिकल कोर से, जी तो हमें आदत है सच बोलने की। जी जी एक चीज और है कि जो वक्त पे ना बोला जाए बाद में बोला जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं कोई है, तो मैं वैल्यू हमेशा वक्त पे ही बोलती हूँ, ठीक अदरवाइज मैं चुप रहती हूँ। ठीक है तो कई बार लोगों को लगता है, उनके लिए मैं कहना चाहूंगी, ये जी जी करंट मुद्दों पे, हाँ बेशक जुबान पे तलखी रखते हैं, हाँ बेशक जुबान पे तलखी जनाब रखते हैं, मगर सवाल का सीधा जवाब रखते हैं। ओके कथन और करनी में नहीं रखा अंतर, इसलिए किरदार नायाब रखते हैं। बहुत अच्छा, मिला जो जीवन में सब हिसाब रखते हैं, सहेज कर हम अपनी किताब रखते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चराग मान कर हमें क्या बुझा सकोगे, मुंडेर पे अपनी आफताब रखते हैं। बहुत अच्छा। निभाई सब रस्में दिलो जान से हमने, तभी तो हम दोस्त लाजवाब रखते हैं। बहुत अच्छा। हसीन गुलाब को कांटों से दूर रखते हैं, नादानियों से चमन को सादाब रखते हैं। बहुत अच्छा, बहुत खूब। आपने अभी तक कोई अपनी पब्लिकेशन नहीं करवाई लिटरेरी फील्ड में? मैं मृदांश हो चुकी हाँ है सर, अच्छा, और दूसरी जाह्नवी संकलन आ चुका है। ओके इसके अलावा महादेवी वर्मा के संस्मरणात्मक कृतियों में अच्छा, करुणा आ ओके चुकी है मेरी। ओके। ये तो शायद आपके पीएचडी का भी विषय था। जी हाँ, दूसरा मैं ये जानना चाहूंगा कि जब विशेष तौर पर आपको घर तक महदूद रखा गया और आपने गृहस्थी का पालन करते हुए घर का आपने कामकाज संभाला, तो क्या ऐसे विशेष कारण थे जिनकी वजह से आपसे ये कहा गया कि आप कैरियर्स को छोड़ दीजिए और सारा कंसंट्रेशन आप अपने सिर्फ परिवार पे रखें? उसकी कोई विशेष परिस्थितियां थी या वैसे ही आपसे सीधा कह दिया गया कि आप सिर्फ घर गृहस्थी की तरफ ध्यान रखें? सर, कोई विशेष परिस्थिति तो नहीं थी, लेकिन उस वक्त मेरी बेटी हो चुकी थी ओके और घर पे मेरे पेरेंट्स नहीं रहे थे दुनिया में उस टाइम, जी और मेरी सास थे वो नहीं रख सकते थे, नहीं या नहीं रह सक पाते हमारे पास, अच्छा तो किसी एक का होना जरूरी था, ओके इसलिए मुझे कहा गया। अच्छा, तो विशेष परिस्थितियां रही जिसके जी कारण आपको घर गृहस्थी से ही आपको आपको कहा गया कि आप वहीं तक महदूद रहें। जी हाँ जी, आप बताइए। ये तो मैं ये कहना चाहूंगी, बहुत सारी महिलाएं जो आज की छोटा सा नाम पाने के चक्कर में जी जी और अपना घर परिवार छोड़कर जी अपने कैरियर को जो चुनती हैं, घर हाँ परिवार अपने आप को भी दांव पे लगा के, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी, ना राग कोई लिखूंगी ना अपना रंज लिखूंगी, जी ना राग कोई लिखूंगी ना अपना रंज लिखूंगी, आज जो कुछ लिखूंगी शब्दों के तंज लिखूंगी। बहुत अच्छा, बहुत खूब। महिला होते हुए भी महिलाओं के लिए मेरा ये जो हाँ कहना है, जी जी गर हुनर है तुझ में तो कुछ फन दिखा, गर हुनर है तुझ में तो तो कुछ कुछ फन फन दिखा, दिखा। रिझाने की अदा से न तन दिखा, बहुत अच्छा, बहुत खूब। रिझाने की अदा से न अपना तन दिखा, लच्छेदार बातों में उलझा कर किसी को, अरे अब इतना भी ना अपनापन दिखा। बहुत अच्छा, बहुत खूब, और बहुत इसमें खरी बीच खरी में, बात आपने लिख दी इसमें। इसमें अब मैं ये कहूंगी, कई बार ये होता है कि आप घर पे ही रहो और जब घर की महिलाओं को आप बढ़ते हुए देखते हो हाँ तो उनको रोका भी जाता है, यस
और फिर उनका साथ ऊपरले मन से भी दिया जाता है, तो उसमें घर की महिलाओं को छूते देख बुलंदी, घर की महिलाओं को छूते देख बुलंदी, कुढ़कर रिश्तों का ना अब बंधन दिखा, कि पैरों में बंधन बांध दिया कि नहीं नहीं आपको घर में ही रहना है। गैरों संग मिलकर जो चक्रव्यूह रचा था, दाव पेच लगाकर खेल का न चलन दिखा। बहुत कागजी जमीन पर खड़े संगठन अनेकों बटोरते हैं वाह, कागजी जमीन पर खड़े संगठन अनेकों, समाज सेवा के नाम पर ना परपंच दिखा, बटोरते हैं वाह भाई औरों की मेहनत से, भीड़ में उछल उछल के अपने को ना महान दिखा। क्या बात, बहुत अच्छा। सोनी जी, मुझे ऐसे लगता है कि आपको भले ही ये बात कही गई कि आप सिर्फ गृहस्थी तक अपने आप को महदूद रखें, लेकिन आज के दिन में आपको किसी तरीके का कोई रिग्रेट नहीं है। आपको लगता है कि आपने गृहस्थी में रहते हुए भी अपने आप को इतना विस्तृत कर लिया है या अपने आप को इतना डिवोट कर लिया है गृहस्थी की तरफ, अब आप रादर दूसरों को भी ये एक सीख देना चाहती हैं कि भाई आप भले ही परिवार तक रुकें, लेकिन उसमें भी आपको सुकून मिल सकता है, उसमें भी आपको एक अलग तरह की उड़ान मिल सकती है। क्या कहती हैं आप? अलग उड़ान तो है और वो बहुत सुखद होती है। यस, ये जरूरी नहीं है कि हम बाहर निकलकर ही अपने काम को करें। बिल्कुल, काम वो होता है जो मन को अच्छा लगे। यस, जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। यस, उसको हमें कैसे करना है ये हम पे ही डिपेंड करेगा। जी जी, तो मेरे काम को मुझे कैसे करना है मैं घर पर ही करती हूँ जी, और घर से करती हूँ, और मुझे बिल्कुल भी मलाल नहीं है जी जी, कोई रिग्रेट नहीं है इस चीज को लेके। ओके, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपके केस में आपने पीएचडी किया, उससे पहले आप डबल एमए थी और आपने एमफिल का भी थीसिस लिखा, तो जो आपके मुकाबले में प्रोफेशनल लेडीज हैं, जैसे मान लीजिए कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, उनके लिए भी आप यही बात कहेंगी जो आप अपने लिए महसूस करती? नहीं, देखिए, जिनके लिए अपॉर्चुनिटी है बाहर जाके करने की जी, खुशी खुशी यस वो करें जी, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि परिवार को दांव पे लगाकर कैरियर को मत चुनिए। यस, दिस इज ए वेरी क्लियर कट थॉट जो आप दे रही हैं, बहुत ठीक बात आप कह रहे हैं। तो आप कोई और कविता हमें सुनाना चाहेंगी? जी हाँ, कोविड से जब हम जूझ रहे थे तो मेरा सभी के लिए एक था जिस पे मैंने लिखा था सुझाव कि घबराइए मत, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। यस, होके मायूस ना यूं बजम से उठा कीजिए, होके मायूस ना यूं बजम से उठा कीजिए, चंद असरार सही नज़म के पढ़ा कीजिए। बहुत अच्छा। हो रहा के पत्थर लाजमी ठोकर खाओगे, हो रहा के पत्थर लाजमी ठोकर खाओगे, आहिस्ता ही सही जगह से हटा कीजिए। बहुत अच्छा। बनके मासूम ना यूं उम्र से दगा कीजिए, बनके मासूम ना यूं उम्र से दगा कीजिए, गर बादल हो तो मोती से बरसा कीजिए। क्या बात। होके लाचार ना अपने को यूं कैद कीजिए, चंद रोज की है बात फिर मुलाकात कीजिए। बहुत अच्छा। मेरे ख्याल ये आपकी एडवाइस कोविड टाइम में बहुत ही सार्थक थी जो आप समय समय पर देती रही हैं। तो और कोई अगर आप अपनी कविता बताना चाहें तो? ये मेरे दिल के जज्बात ही हैं जो मैं बस लिख देती हूँ, मुझे ये तो नहीं पता ये नज्म है, कविता है या गजल है, जो भी जी, जी, बस जी, मैं चंद शब्द लिख देती हूँ जी। कलम उठाकर कोरे कागज पर जब मैंने कुछ अल्फाज लिखे, कलम उठाकर कोरे कागज पर जब मैंने कुछ लफ्ज लिखा, मन खुशी से झूम उठा सबने का वाह क्या खूब लिखा। क्या बात। सूरज नहीं मैं चंदा नहीं, ना दीपक बनने की कोई तैयारी है, चिमनी बन शुभ कर्मों से तिमिर हरने की कोशिश जारी है। बहुत अच्छा। अंधियारे पथ पर बाती जलाकर जब मैंने जुगनू सा नूर लिखा, पथिक खुशी से झूम उठावा क्या खूब फर्ज लिखा। क्या बात।
निर्झर झरनों से झरते ए विरल आंसू, दर्वित हृदय चित्कार रहा, कौन सुनेगा विहल मानस कथा, जब प्रखर तथ्य ही मौन रहा, सन्नाटे का आभास चीर कर जब मैंने सांसों का कारोबार लिखा, मन ही मन से सवाल कर बैठा, इसमें मैंने क्या कुछ हर्ज लिखा। बहुत अच्छा। हर मजहब का कर्ज मैंने खुशी खुशी सब यूं चुका दिया, सजदा कर मस्जिद गुरुद्वारे मंदिर में शीश झुका लिया। बहुत अच्छी। फर्ज न मर्ज बाकी मुझ पे, जनक जननी का कर्ज है बचा, मैं नादान झूम उठा, सबने कहा वाह क्या खूब कर्ज लिखा। क्या बात। अब दौर वो चल रहा है जो हमने ना सोचा होगा कभी, वक्त त्रस्त हो भला, मंजर का हल भी निकलेगा अभी, जात पात का भेद भुला, मानवता संदेश का अर्ज लिखा, बेबस इंसान करा उठा, प्रभु स्वीकारे जो अर्ज लिखा। बहुत। कलम उठाकर कोरे कागज पर जब मैंने कुछ लफ्ज लिखा, मन खुशी से झूम उठा, सबने कहा क्या खूब लिखा। क्या बात, बहुत अच्छा। तो श्रोताओं, आपने देखा कि बी सोनी जी कहने को बहुत हम्बलनेस से ये बात कहती हैं कि मैं कोई कवित्री नहीं हूं, लेकिन इनकी लेखनी में जो प्रवाह है उसको हम और आप दोनों किस ढंग से महसूस कर रहे हैं, तो आप इसकी मुबारक की पात्र हैं। तो सोनी जी, हम आज का ये जो एपिसोड है यहीं समाप्त करते हैं और आपसे पुनः गुजारिश करेंगे कि आप हमारे स्टूडियो में आती रहें और हम आपसे इसी तरीके से अपने श्रोताओं को रूबरू कराते रहेंगे। आपका यहाँ आने का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।